गुड इवनिंग। आज हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। हम लोग ग्राफिकल नॉलेज से जानते हैं ये हर जगह पर कंटिन्यूस होते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको याद होगी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो we need to find a delta greater than zero such that fx minus fa mod less than epsilon whenever x minus a mod less than delta। Please ध्यान दीजिए, आप एप्सिलॉन कुछ भी चूज कर सकते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन कोई भी एप्सिलॉन चलेगा जो पॉजिटिव हो। और आपको ढूंढना क्या होता है इस पूरी प्रोसेस में? डेल्टा, एक पॉजिटिव डेल्टा। अगर आप वो डेल्टा ढूंढ पाते हैं जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर, ऐसा होता है। आज हम इसे थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। We know that x minus a mod less than delta, इसका मतलब है x minus a minus delta और plus delta के बीच में है। दोनों साइड अगर a ऐड कर दूं तो a minus delta और a plus delta के बीच में x है। आपको नहीं लगता ये ओपन इंटरवल में x है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ये क्लियर करना जरूरी है, जब भी ऐसा लिखा जाए डायरेक्टली आप इसे सोचिए कि x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में है। ठीक, तो फिर आप ये समझिए कि fx माइनस fa मॉड लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या हो जाएगा कि एफेट्स किन के बीच होगा? एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन, या फिर एफेट्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। यहाँ पर अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करें, सपोज ये पॉइंट ए है, ये ए माइनस डेल्टा और ये ए प्लस डेल्टा। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू है वो एफ ए है। सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो आप इसको एप्सिलॉन ऊपर, ये वैल्यू fa प्लस एप्सिलॉन और यहां पर fa माइनस एप्सिलॉन, इसे अब आप इस रूप में समझिए कि जब x की वैल्यू, ये ओपन इंटरवल का साइन है कि x इस रेंज में होगा तो एफ एक्स उस समय इस रेंज में होना चाहिए। अगर ये जितना छोटा या बड़ा आप एप्सिलॉन तय कर ले, पहले प्लीज ध्यान से दोबारा देखिएगा, कोई भी एप्सिलॉन तय करिए तो आपको डेल्टा ढूंढना है। कैसा डेल्टा ढूंढना है? जहां एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। कब? जब एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा है। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है
जब एक्स ए से इधर ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में है, उस समय एफ एक्स की वैल्यू एफ ए प्लस एप्सिलॉन और एफ ए माइनस एप्सिलॉन के बीच में होनी जरूरी है। अगर ऐसा डेल्टा मिलता है तब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्रॉस एक्स, लेट अस टेक अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर। हम किसी पॉइंट ए पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेट एप्सिलॉन बी गिवन, एप्सिलॉन गिवन होने का मतलब फिक्स करना, एप्सिलॉन कोई भी ले लीजिए, एक वैल्यू तय कर लीजिए। नाउ एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड, इसका मतलब होगा क्रॉस एक्स माइनस क्रॉस ए मॉड, ये हो जाएगा मॉड क्रॉस सी माइनस क्रॉस टी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो भी मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे टू साइन एक्स प्लस ए बाई टू साइन एक्स माइनस ए बाई टू, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप इसे टू मॉड साइन एक्स माइनस ए बाई टू ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज साइन एक्स प्लस ए बाई टू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वन होगी, तो हम इससे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू वन लिख देते हैं। अगर इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है तो x माइनस ए बाई टू मॉड एज आप जानते हैं साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी मॉड ऑफ x माइनस ए मॉड। आप इसे मान सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन, ये किसकी वैल्यू आई अभी, एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू। अगर ये लेस देन डेल्टा है तो इसी को डेल्टा भी ले लीजिए, सॉरी ये लेस देन एप्सिलॉन है इसे आप डेल्टा भी मान लीजिए, तो आपको एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया, कब, जब एक्स माइनस ए मॉड भी लेस देन डेल्टा है। इस क्वेश्चन में डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर आ गया, तो फिर एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, कब, जब भी एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, और ए कोई भी रियल नंबर है, इसका मतलब हर रियल नंबर पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्रॉस हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये डेफिनेशन, ये आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का एग्जांपल है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोग सेकेंड पार्ट में साइन एक्स देखिएगा, ये आप लोग खुद करेंगे। पहले पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए आपको x माइनस ए चाहिए था तो x प्लस ए की जगह पर आपने मैक्सिमम वैल्यू 1 यूज कर ली, यही प्रोसेस ध्यान रखिएगा आप साइन x के लिए करिए।
अब ऐसे ही दो क्वेश्चन एट जैसे और हैं, क्रॉस स्क्वायर एट्स और साइन स्क्वायर एट्स। मैं इसमें से कोई भी एट कर लेता हूँ इसी मेथड से। लेकिन इनको समझने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज आप ये जो मैंने डेफिनेशन समझाई है इस पर आप जितना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपको फायदा होगा। क्वेश्चन बहुत सारे अनलिमिटेड हो सकते हैं, कंसेप्ट तो लिमिटेड है, तो आप कंसेप्ट सीखिएगा। आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से जो भी सवाल करना चाहते हैं उसका पूरा लॉजिक इतने के अंदर है। इसे बार बार समझिए, नहीं आता है आप मुझे भेजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मैं आपको अब क्रॉस वाला ना होकर साइन वाला समझाने की कोशिश करता हूं। साइन स्क्वायर एक्स, फिर एक पॉइंट लेते हैं एक्स इक्वल टू ए, कोई भी रियल नंबर, और उस पर ये कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, एफएक्स माइनस एफए मॉड इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए मॉड। हम इसे टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस क्रॉस टू एक्स, टू साइन स्क्वायर ए वन माइनस क्रॉस टू ए इक्वल टू हाफ। आप इसे सॉल्व करें तो ये क्रॉस टू ए माइनस क्रॉस टू एट्स बन जाएगा। अगर हम इसे फिर क्रॉस सी माइनस क्रॉस डी के फॉर्मूले से ट्राई करें तो टू टाइम्स आएगा जो हाफ से कैंसिल होगा, साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब एक्स प्लस ए, साइन डी माइनस सी बाई टू एक्स माइनस ए मॉड। हम इसे फिर मॉड साइन एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन एक्स प्लस ए मॉड लिखें या ना लिखें मैक्सिमम वैल्यू वन है, और फिर इसे भी मॉड एक्स माइनस ए एज साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। बाकी कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, इसको भी लेस देन एप्सिलॉन ले सकते हैं। सो एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज एफएक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। फिर सवाल, एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी है, ए तो कोई भी रियल नंबर है, तो दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी किया जा चुका है, लेकिन हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसकी कंटिन्यूटी जीरो पर चेक करना चाहते हैं। मान लेते हैं एक पॉजिटिव एप्सिलॉन कोई भी तय कर लीजिए, तो जीरो पर चेक करना है तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो मॉड देखना होगा। एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर क्रॉस वन बाई एक्स माइनस जीरो मॉड, तो ये एक्स मॉड स्क्वायर क्रॉस वन अपॉन एक्स मॉड, तो जाहिर सी बात है ये मॉड एक्स स्क्वायर हो जाएगा एज क्रॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। तो आपने लिखा एफ एक्स माइनस एफ जीरो मॉड लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस जीरो मॉड स्क्वायर
लेस देन अगर एप्साइला करें तो आपको एक्स माइनस जीरो मॉड लेस देन अंडर रूट एप्साइला मिलेगा। आप इस अंडर रूट एप्साइला को क्या मान लें? डेल्टा। सो एफ एक्स माइनस एफ जीरो मॉड लेस देन एप्साइला वेन एवर एक्स माइनस जीरो मॉड लेस देन डेल्टा। ये डेल्टा इक्वल टू कितना है? रूट एप्सिलॉन। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से कुछ क्वेश्चन करने समझ में आए होंगे। हमें इसका उपयोग थ्योरम्स में भी करना है। आपके सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारी यूनिवर्सिटी पूछती है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से ही पूछे जाने हैं। आप इस पर क्वेश्चंस करिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करके आपको दूंगा। आपको मैं वीडियो में डेटा कम होने की वजह से सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता। लॉकडाउन पीरियड में मैं घर पर ब्रॉडबैंड नहीं लगा पा रहा हूँ। मोबाइल डेटा लिमिटेड है। आपसे रिक्वेस्ट है आप कम में सीखिए और खुद करिए। नहीं आता है पूछिए। हो सकता है चीज़ें सुधरें और मेरे पास अगर ब्रॉडबैंड होता मैं पूरा 50 मिनट या एक घंटे का पूरा लेक्चर में कई चीज़ें सिखा पाता। मेरी लिमिटेशन आप समझिएगा और जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।